तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो शादी के लिए हाँ कर दी? अरे वो बचपन में ना मैं बुआ के यहाँ पे आई थी जो इसी मोहल्ले में रहती थी, तभी मैंने देखा था कि तुम्हारी माँ तुम्हें चप्पल से मार रही थी और तुम चुपचाप सर झुकाए खड़े थे। उसी वक्त मैंने ठान लिया कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी। अरे यार कितना बोलती हो तुम, दिमाग खराब करके रखी हो। ओ, तो अब नहीं नहीं सच में तुमसे बात करने से अच्छा मैं अपने फ्रेंड से बात करूं। हाँ तो कर लो ना, मुझे क्या सुना रहे हो। बीबी के साथ आज पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन याद रखें हमें बीबी से लड़ना है, साली से नहीं। साली के साथ भेदभाव ना करें बल्कि उसकी देखभाल करें। बीवियों से बचने के लिए जो हमारी ढाल है, जैसे साला साली, साढ़ू भाई, दोस्त, इनका सम्मान करें। इन योद्धाओं की करो देखभाल, तब हम जीतेंगे बीबी से हर हाल। अधिक जानकारी के लिए ससुराल हेल्पलाइन नंबर या लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही ढेर सारी और वीडियोस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए रोपोसो ऐप आज ही। अच्छा नूर एक चीज बता, हाथी को फ्रीज में कैसे बंद करेंगे? हाथी को फ्रीज में बंद नहीं कर सकते। अरे कर सकते हैं, बहुत बड़ा फ्रीज है, गेट खोलेंगे और बंद कर देंगे। अब बता गधे को फ्रीज में कैसे बंद करेंगे? फ्रीज का गेट खोलेंगे और बंद कर देंगे। नहीं, हाथी को बाहर निकालेंगे, फिर गधे को डालेंगे, फिर गेट बंद कर देंगे। अच्छा एक चीज बता, जंगल में बंदर की बर्थडे पार्टी है, उसमें सारे जानवर गए हुए हैं, एक जानवर नहीं गया होगा, तो कौन? शेर नहीं गया होगा। नहीं गधा, क्योंकि तूने उसको फ्रीज में बंद किया था ना। अच्छा एक चीज होता कि एक नदी है जंगल में और उसमें मगरमच्छ रहते हैं और उसका पुल टूटा हुआ है, तू नदी पार कैसे करेगी? दोस्तों मैंने जिंदगी में सिर्फ धोखे खाए हैं, हमेशा सिर्फ धोखे खाए हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जिंदगी में सिर्फ धोखे खाए, फिर चाहे वो आम हो या सेब हो या अंगूर हो, सिर्फ धोखे खाए। बीबी खुश तो पति खुश, लेकिन पति खुश तो बीबी ये जरूर सोचेगी कि दाल में कुछ काला है। सुनो जी, मेरे 10,000 रुपए कब दोगे? अरे वो 10,000 नहीं, 1,010 रुपए थे मात्र। मुझे नहीं पता, मुझे अभी की अभी मेरे 10,000 रुपए चाहिए। अच्छा ले, ये कितने है? 10। ये कितने है? 1,000। कितने हुए? 10,000। भगवान, एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन स्टार प्लस पे ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ कभी खत्म नहीं होगा। पापा स्कूल कब लगेंगे? पता नहीं बेटा, अभी लॉकडाउन चल रहा है। पापा स्कूल कब लगेंगे? बोला ना तुझे, अभी लॉकडाउन चल रहा है, बार बार क्यों पूछ रही है? पापा सुन के अच्छा लगता है। क्यों? एक दिन जरूर आएगा, एक दिन जरूर आएगा, क्योंकि दो दिन एक साथ नहीं आ सकते। बहुत लोगों की फरमाइश की वजह से आज हम बनाएंगे ओरियो चोको केक, तो चलिए बनाते हैं। ये 5 ओरियो बिस्किट हैं, छोटे पैकेट वाले, इन्हें हम मिक्सर जार में डाल के इसे पीस लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच पिसी हुई चीनी और दूध ऐड करके इसका एक स्मूथ बैटर बनाना है। अब हम इसमें 2 चम्मच कोको पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये 4 बड़े चम्मच ऑयल है, इसमें हम आधा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे और ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। और कुछ ऐसी थिकनेस होनी चाहिए, देखिए ऐसी,
ये केक का मैंने बर्तन लिया है, इसमें मैंने बटर पेपर डाल दिया, ऑयल ब्रश कर लिया, आप कोई सा भी बर्तन यूज कर सकते हैं। ये बैटर इसमें डाल देंगे, ठोक के इसे सेट कर लेंगे। ये पतीला मैंने गर्म कर लिया है, ये केक का बर्तन इसमें डाल देंगे और ढक के 25 से 30 मिनट तक बेक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। फिर एक बार इसे चेक कर लेंगे। और आजकल की छोकरियां खाती पीती तो एकदम मस्त है, बहुत अच्छे से, लेकिन दो रोज काम क्या किया, हो जाती है ढेर। बस 5 लाख तो मिलेगा ना? किससे? इसके बाप से। तू जानता है इसके बाप को? वो तो इसकी माँ जानती होगी ना। तो माँ कौन है इसकी? अरे वो तो इससे पूछ लेंगे। तो ये कौन है? इसे तो वो जानते होंगे ना। वो कौन? अरे भैया ये केला कितने का है? अरे भैया 10 रुपए का है। 5 रुपए में दे दो यार। अरे भाई 5 रुपए का तो छिलका छिलका है। ये लो भैया 5 रुपए। रुपए? अबे 10 रुपए हुए ना एक केले के। लो भैया 5 रुपए दे रहा हूँ और 5 रुपए का छिलका वापस कर रहा हूँ। आपने ही तो कहा था 5 रुपए का छिलका। भाई साहब ये जरा एड्रेस बताओगे? हाँ बता, बिल्कुल बताऊंगा ना मेरी जान। अरे क्या बदतमीजी है? तो क्या सारा जी तमीज कर, मैं भी तेरे को बहन बोल दूं। वाह ऐसे तो मैं कौवारा ही मर साइकल साइकल वो मारी सोना नी साइकल साइकल। नो 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 नो। झुकी तेरी पलकों में मिल जाए मुझे पना, पल के गिरे आंसू भरी रह जाए मेरे निशान, टूटे दिल की मत कह। Excuse me. Yes. क्या आप सिंगल है? Yes. बुक्स अच्छी नहीं लगती अगर उनके कवर ना हो, बुक्स अच्छी नहीं लगती अगर उनके कवर ना हो, और लड़कियां अच्छी नहीं लगती अगर उनके लवर ना हो। पागल है क्या? कदे हू करके कदे हा करके। अरे यार कितना बोलती हो तुम, दिमाग खराब करके रखी हो। तो नहीं नहीं सच में तुमसे बात करने से अच्छा मैं अपने फ्रेंड से बात करूं। हाँ तो कर लो ना, मुझे क्या सुना रहे हो? बीबी के साथ आज पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन याद रखें हमें बीबी से लड़ना है, साली से नहीं। साली के साथ भेदभाव ना करें बल्कि उसकी देखभाल करें। बीवियों से बचने के लिए जो हमारी ढाल है, जैसे साला साली साढ़ू भाई दोस्त, इनका सम्मान करें। इन योद्धाओं की करो देखभाल, तब हम जीतेंगे बीबी से हर हाल। अधिक जानकारी के लिए ससुराल हेल्पलाइन नंबर या लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। अच्छा नूर एक चीज बता,
हाथी को फ्रीज में कैसे बंद करेंगे? हाथी को फ्रीज में बंद नहीं कर सकते। अरे कर सकते हैं, बहुत बड़ा फ्रीज है, गेट खोलेंगे और बंद कर देंगे। अब बता गधे को फ्रीज में कैसे बंद करेंगे? फ्रीज का गेट खोलेंगे और बंद कर देंगे। नहीं, हाथी को बाहर निकालेंगे, फिर गधे को डालेंगे, फिर गेट बंद कर देंगे। अच्छा एक चीज बता, जंगल में बंदर की बर्थडे पार्टी है, उसमें सारे जानवर गए हुए हैं, एक जानवर नहीं गया होगा, तो कौन? शेर नहीं गया होगा। नहीं, गधा, क्योंकि तूने उसको फ्रीज में बंद किया था ना। अच्छा एक चीज होता कि एक नदी है जंगल में और उसमें मगरमच्छ रहते हैं और उसका पुल टूटा हुआ है, तू नदी पार कैसे करेगी? नहीं पता। अरे तेर के पागल, मगरमच्छ है ना उसमें। अरे वो तो बंदर की बर्थडे पार्टी में गए हुए ना। दोस्तों, मैंने जिंदगी में सिर्फ धोखे खाए हैं, हमेशा सिर्फ धोखे खाए हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जिंदगी में सिर्फ धोखे खाएं, फिर चाहे वो आम हो या सेब हो या अंगूर हो, सिर्फ धोखे खाएं।